फिर हुई ज्वेलर्स की दुकान में लाखों की चोरी। नमस्कार, मैं शिल्पी जायसवाल, आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क। मामला अलवर से है, जहां शहर के कोतवाली थाना अंतर्गत तिलक मार्केट में शिवम ज्वेलर्स की दुकान में देर रात को 3 अज्ञात चोरों ने शटर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। दुकान के मालिक विनोद खंडेवाल ने बताया कि शाम को वह हर रोज की तरह दुकान बंद करके अपने घर चले गए थे। उसी के बाद देर रात को उनके पड़ोसी का फोन आया कि दुकान के ताले टूटे हुए हैं। यह जानकर वह दुकान पर पहुंचा तो पता लगा कि दुकान में तो चोरी पहले से ही हो चुकी थी। दुकान मालिक ने पुलिस को तत्काल फोन किया और पुलिस ने मौके पर जाकर मामले की जानकारी ली। संज्ञान करने पर पीड़ित दुकानदार ने बताया कि उसकी दुकान से 5 किलो माल चोरी हुआ है। दुकान मालिक ने CCTV कैमरा चेक किया तो 3 अज्ञात चोर चोरी करते नजर आए और उन्होंने तिजोरी खोलने की भी कोशिश की, लेकिन तब तक आस पड़ोस में शोर शराबा हुआ तो वह लोग नीचे आ गए, मगर उनको देखकर चोर मौके से फरार हो गए। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि करीब 4 से 5 लाख रुपए का माल गायब हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और CCTV के आधार पर चोरों का पता लगा रही है। भैया किस नाम से दुकान है, कहां पे स्थित है, क्या कर रहे हो? शिवम ज्वेलर तिलक मार्केट में है और रात को 12:03 पे मेरे पास मेरे पड़ोसी का फोन आया कि आपकी दुकान के ताले टूट गए हैं, आपकी चोरी हो गई है। मैं यहाँ पर आया तो देखा दुकान की शटर खुली हुई थी और भीड़ भी लगी हुई थी। यहाँ पर अंदर आके देखा तो यहाँ से करीब 4-5 किलो माल चांदी का वो लेके चले गए और कैमरे वगैरह तोड़ के चले गए। जब सुबह देखा मैंने पूरी अच्छी तरह अंदर से चेक करा, उन्होंने तिजोरी खोलने की भी कोशिश करी लेकिन अड़ोस पड़ोस में छेद होने के कारण वो भाग गए। कितने रुपए का माल लिए? करीब करीब 3 से 4 लाख रुपए। क्या नाम है आपका? विनोद खंडेलवाल।